सिलसिला में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। दसवीं में पढ़ने वाले देवर ने भाभी के साथ मनाई सुहाग रात। माँ ने कहा, सोनू और मोनू दोनों अब तेरे ही है। रेवाड़ी, अब मुझे वहाँ नहीं जाना, वहाँ जाने के नाम से ही मुझे डर लगता है। ये लोग दूसरों के साथ ऐसा ना करें, इसलिए इनको सख्त सजा होनी चाहिए और मुझे इंसाफ चाहिए। जी हाँ, यह हम नहीं बल्कि वह पीड़ित युवती कह रही है, जिसकी शादी मात्र 10 दिन पहले यानी 10 फरवरी 2019 को इच्चर जिले के पटोरा गांव निवासी नितिन उर्फ सोनू के साथ हुई थी। पीड़िता के मुताबिक उनका पति किसी बीमारी से ग्रस्त है। यह बात लड़के के परिवार ने लड़की वालों को रिश्ते करते समय नहीं बताई और पूरी तरह बीमारी वाली बात को छिपाए रखा। शादी वाले दिन अचानक दूल्हे बने युवक नितिन को दौरे पड़ गए और वह वहां रखी कुर्सी को तोड़ने लगा। दूल्हे ने वहां रखी करीब आधा दर्जन से ज्यादा कुर्सियां तोड़ भी डाली। ऐसे में कहीं ससुराल पक्ष के लोगों की पोल ना खुल जाए, इसलिए दूल्हे की बुआ लड़के को अंदर ले गई और उसे दवा दे दी। दवा देने के कुछ समय बाद ही दूल्हा नॉर्मल हो गया और आनंद फानंद में फेरों की रस्म को पूरा कर शादी करवा दी। लड़की पक्ष ने नम आंखों के साथ अपनी लाडली को डोली में बैठा कर ससुराल भेज दिया। ससुराल में समाज के हिसाब से सभी रीति रिवाज किए गए, मगर सुहागरात वाले दिन पति की तबीयत फिर से बिगड़ी। दूल्हे के छोटे भाई मोनू को दुल्हन के पास भेजा गया। आपको बता दें कि दुल्हन का देवर मोनू 10वीं पास करने के बाद ITI कर रहा है, लेकिन छात्र मोनू ने नई नवेली दुल्हन के सपनों को चकनाचूर करते हुए उसे अपने हवस का शिकार बनाते हुए देवर भाभी के रिश्ते को भी कलंकित कर दिया। दुल्हन को पता लगने पर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। दुल्हन ने जब अपने सास से पूछा तो उसने भी दुल्हन को बोला कि सोनू और मोनू दोनों अब तेरे ही है। जब युवती घर पहुंची तो उन्होंने जाकर सारी आपबीती अपने परिवार को बताई। अब पीड़िता के परिजनों ने रेवाड़ी के महिला थाना में ससुराल जनों के खिलाफ शिकायत दे दी है। पुलिस भी सभी पहलुओं से जांच कर पीड़िता को इंसाफ दिलाने की बात कर रही है। अब देखना ये होगा कि बेटियों की सुरक्षा का दम भरने वाली हमारी स्मार्ट पुलिस इस बेटी को न्याय दिला पाती है या फिर बेटी के अरमान बिखर कर टूट जाएंगे। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।